इमरान खान नाअहल करार, दो तीन महीनों से जो खेल खेला जा रहा है इसका तो पता नहीं कि किसका फायदा है किसका नुकसान, लेकिन हाँ ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। मैं कोई सियासी बंदा नहीं हूँ, लेकिन बहैसियत पाकिस्तानी दिल दर्द करता है कि जो हालात पैदा हो रहे हैं और जो हालात जिस हालात की तरफ पाकिस्तान बढ़ रहा है, यहाँ पे ना तो कोई बिजनेस कम्युनिटी सेफ है, ना कोई लेबर कम्युनिटी सेफ है, एजुकेशन का निज़ाम आप देख ले, सियाहत का निज़ाम आप देख ले, जो गेम भी हो रहा है पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है। अभी अभी न्यूज़ मिली, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है पीटीआई, नो डाउट जिस तरह ज़िमनी इंतखाबात में इन लोगों ने सीट जीते और जिस तरह इमरान खान की मकबूलियत जब से वो प्राइम मिनिस्टर कुर्सी से हट है, जिस तरह उसकी मकबूलियत में इजाफा हुआ है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी पार्टी के सबसे बड़ी लीडर इस वक्त नाअहल हो चुके हैं और हज़ारों की तादाद में लोग निकले हैं। मैं खुद पेशावर हूँ, इस्लामाबाद जा रहा था, अभी अभी न्यूज़ मिली कि मोटरवे जितनी भी रोड्स हैं, इस्लामाबाद से न्यूज़ मिली कि जगह जगह पे लोग निकले हुए हैं, इमारतों को नुकसान पहुँचा रहा है, निजी गाड़ियों को नुकसान पहुँचा रहा है। तो ये ज़रा हम देख ले कि नुकसान हम किसे पहुँचा रहे हैं, ये जो आप इमारतों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, गाड़ियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, अपने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इंटरनेशनल मीडिया इस वक्त आप देख ले कि इंटरनेशनल मीडिया पे एक भूचाल मचा हुआ है कि पाकिस्तान के सिटीजन निकले हैं और पाकिस्तान में ये सारी चीज़ें हो रही है। देखिए सियासी हालात जिस तरह भी हो, लेकिन हम सब ने ये सोचना है कि ये मुल्क हमारा है। खुदा आप किसी भी सियासी पार्टी को, किसी भी सियासी लीडर को आप लोग सपोर्ट करें, वो आप करें, वो आपका हक है, लेकिन इस मुल्क को नुकसान ना पहुँचाए। एक तो देखे सैलाब अभी रिसेंटली आता जिससे पाकिस्तान का कितना बड़ा नुकसान हुआ, पूरे पाकिस्तान को लपेट में लिया था और पूरी दुनिया से हम इमदाद की अपील कर रहे थे। इस वक्त हमने अपने वतन को खुद आग लगाया हुआ है। हमारे बड़ों ने भी ये सोचना है कि ये जो हम डिसीजन ले रहे हैं या जो भी हम कुछ कर रहे हैं, ये इस मुल्क के लिए ठीक है, इन लोगों के लिए ठीक है, तो ये इन बड़ों ने सोचना है। और जो हमारे सिटीजन है, जो आम लोग हैं हमारी तरह, हमने भी ये सोचना है कि हम किसी भी सियासी पार्टी को, सियासी लीडर को सपोर्ट करें, वो हम करेंगे इंशाल्लाह, हर बंदे का हक है। लेकिन खुदा रहा इस मिट्टी ने बहुत सारे गम देखे हुए हैं, इस मिट्टी ने बहुत सारे तकलीफें उठाई है, इस मिट्टी को, इस मुल्क को अपने हाथ से ना जलाए, इस मिट्टी को, इस मुल्क को अपने हाथ से नुकसान ना पहुँचाए। ये हमारा मुल्क है और मेरी उम्मीद है कि ये जो दो तीन चार बड़े बंदे बैठे हुए हैं और पाकिस्तान के साथ एक खेल खेला जा रहा है, आई रियली विश कि ये बंद हो जाए और यहाँ पे अमन हो। बाहर ममालिक में आप जाते हो, कभी भी आपको ये टेंशन नहीं होगा कि यहाँ पे बिजली नहीं है, पानी नहीं है, दहशतगर्दी है, अमन नहीं है, वहाँ पे लोग खुशहाल के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। पाकिस्तान जब आते हो तो ये बेसिक जो चीज़ें हैं इनसे हम महरूम हैं और साथ में ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। तो मेरी दुआएँ पाकिस्तान के साथ हैं, जो लोगों ने जिस बंदे को सपोर्ट करना है करें, खुदा रहा पाकिस्तान को नुकसान ना पहुंचाए। शुक्रिया।